शिवप्रपाल सिंह सोखी और मैं आ गया हूं, तो इसीलिए योर ऑनर साइलेंस प्लीज, क्योंकि हम लेके आए हैं बहुत बढ़िया वाली रेसिपी। और ये रेसिपी है मजेदार, क्योंकि यहाँ तड़के पे तड़का पे आज एकदम सिंपल वाली रेसिपी, लाइट एंड हेल्दी और एकदम जानदार। थोड़ी सी यूनिक चीजें डालेंगे जिससे स्वाद और बढ़ जाएगा। मैं बना रहा हूँ वेजिटेबल स्ट्यू विथ कोकोनट पर। सबसे पहले क्या करना है, एलोज तेल डाल लेते हैं, एक बड़ा चम्मच तेल डालें, बहुत हो जाता है। तेज पत्ता 2 से 3, ये लीजिए ये डाल लें। ब्लैक पेपरकॉर्न, काली मिर्च 1 बड़ा चम्मच डाल लें। मजेदार जिंजर, 1 इंच टुकड़ा जिंजर का ले लें, उसके इस तरह से लंबे लंबे जो है ये स्लाइसेस काट के डाल लें। और लहसुन ले लें, लहसुन, जी हाँ लहसुन नहीं, लहसुन ले लें 8-10 कलियां। और ये जो मेरा हथौड़ा है ये, इससे हम इस तरह से लहसुन को पीट लेंगे। हेलो जी, लहसुन अब हमने तैयार कर लिया है, तो लहसुन ये जो क्रश किया है हैमर से ये मैं डाल लेता हूँ इसमें। लहसुन जब हल्का सा ब्राउन हो तो मेरे पास आलू है, कच्चे आलू, एक बड़ा आलू कच्चा ले ले वो डाल लें। गोभी है, ये भी डाल लेते हैं। गोभी का एक छोटा सा फूल लें जो कि लगभग 200 ग्राम तक का हो, उसके जो फ्लोरेट्स हैं, जो फूल हैं, वो काट के डाल लें। एक गाजर लें, उसको भी इस तरह से क्यूब्स में काटे डाल लें। पीस को डाल लें, ग्रीन पीस को, अगर कच्चा है तो भी साथ में डालें, फ्रोजन है तो सीधे डाल सकते हैं। अगर आपको कोई और सब्जी लगती है जैसे व्हाइट पंपकिन, ड्रम स्टिक्स लगते हैं वो भी डाल सकते हैं, बड़ा मज़ेदार होता है। थोड़ा भून लेंगे और सीधे पानी डाल देते हैं, गर्म पानी दे रहे हैं, 5-6 कप पानी डालें, गर्म पानी हो तो ज़्यादा बेहतर है, और इतना हो कि सब्जियाँ बिल्कुल तैरने लगे, ज़्यादा पानी होना चाहिए, क्योंकि मुझे ना इसे अच्छे से पकाना है, सब्जियाँ ऑलमोस्ट मैश हो जानी चाहिए। अब साथ साथ में इसमें नमक डालूंगा, नमक अपने स्वाद अनुसार, और करते हुए डालिए टनक 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 टनक, आह क्या बात है। और साथ में हल्दी डाल लेंगे, ज़्यादा नहीं, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी डाल लीजिए बस। अब इसको पकाएं, ढक के पकाइए लगभग 20-25 मिनट तक, ठीक है जी। ये लीजिए 20-25 मिनट तक बिल्कुल बढ़िया ढक के पकाएं। अब 20-25 मिनट पकाने के बाद चलिए देख लेते हैं, अब मैं एक काम करूंगा इसमें ब्राउन अनियन, और ब्राउन अनियन कौन से, मेरे पास ये वाले रेडी टू यूज ब्राउन अनियन है जो कि मार्केट में आसानी से मिल रहे हैं। अब आप चाहें तो ये वाले यूज करें या फिर आप घर पे बना के यूज कर सकते हैं। मैं 3 से 4 बड़े चम्मच ब्राउन अनियन डाल देता हूँ। अब इससे क्या है मैं आपको बताऊँ, एक फ्लेवर बहुत बढ़िया कैरमल वाला आएगा, और जो फ्लेवर ना एक्चुअली आपको खाने पे मजबूर करेगा, आपको लगेगा कि मैं और खाऊं। और सब्जियां यहाँ देखिए बढ़िया गल गई है, मैं एक दूसरा चम्मच ले लेता हूँ, ये इससे आप प्रेस कर लें, गोभी वगैरह मैश हो जाती है देखिए आसानी से। और ये मुझे करना है ताकि थोड़ी सी थिकनेस आ जाए। अब ब्राउन अनियन गलते ही कलर देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है, वाह बढ़िया, आलू भी बढ़िया मैश हो गए हैं। ये फ्रेंच बीन्स भी डाल लेता हूँ इस वक्त, ये लीजिए 1/2 कप फ्रेंच बीन्स है, जो कि 5-6 फ्रेंच बीन्स लेंगे उसमें ये काफ़ी हो जाता है। और साथ ही साथ हरा धनिया 1 बड़ा चम्मच डाल लें, बढ़िया फ्रेश फीलिंग आएगी। अच्छा वैसे तो ये वेज स्ट्यू तैयार है, नींबू थोड़ा सा डाल लें इसमें 1/2, ठीक है, एक बढ़िया फ्लेवर आने लगता है, टेस्ट आता है नींबू। अच्छा वैसे तो ये जो स्ट्यू है इस वक्त तैयार है, आप चाहें बिल्कुल बढ़िया तरीके से खा सकते हैं, और भी उबाल सकते हैं, सब्जियों को और मैश करना है बिल्कुल कर सकते हैं, और एक काम और भी कर सकते हैं, इस वक्त ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर 1/2 कप कोकोनट मिल्क ये डाल लें, ये इससे देखिए रंगत पूरी बदल गई, मजा डबल, ये क्या बात, आहा फ्लेवर चेंज हो जाता है। जिनको कोकोनट मिल्क नहीं पसंद है वो ना डालें, जिनको पसंद है बिल्कुल भर भर के डालें, और परोसने के लिए
परोसने के लिए बढ़िया घोल ले लेते हैं और ये उबाल लेते हैं। अब सेव देखिए बिल्कुल बढ़िया तैयार है, लेकिन परोसने के पहले और आप एक काम कर सकते हैं, वो है थोड़ा सा ब्राउन